हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लॉमी। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ ये न्यू रीडिंग। ओके, ऑल साइंस के लिए है गाइस। आप मून साइंस सन साइंस से ये रीडिंग देख सकते हो। सी यहाँ पर अगर आप फील कर पा रहे हो कि आप बहुत सैड हो, बहुत अपसेट हो, आप बहुत आइसोलेशन में चले गए, या आप फील कर रहे हो कि शायद नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी हो सकती है, या हम कहते हैं ना रूठना मनाना इस तरह भी हो सकता है, तो उस तरह से भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे रूठ चुके हैं। टेम्पररी होता है ना, तो इस तरह से अगर कुछ सिचुएशन आपके लाइफ में चल रही है, ओके, तो हम उसके लिए रीडिंग ले रहे हैं, जिसकी वजह से आप भी अपसेट हो, आपको आप एक अपने आप को आइसोलेशन में, या आप फील कर पा रहे हो कि ये पर्सन कब आएगा, या वेट कर रहे हो, इस तरह की यहाँ पर इंट्यूशन आया है मुझे और उस वे से मैं रीडिंग ले रही हूँ। ओके, सो गाइस, दिस इज कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, इफ रेजोनेट विथ यू देन कीप विथ यू। ओके, थैंक यू सो मच। सो लेट्स स्टार्ट। जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं आपको, वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगे, आपकी रीडिंग बुक कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। एंड मैं NLP सेशंस भी लेती हूँ। मैं मेरा दूसरा जो चैनल है वो कमेंट सेक्शन में पिन करके रख दूँगी, आप वो चैनल से अपने आप को आपको सपोर्ट मिलेगा। ओके, वो चैनल में कुछ क्ल्यूज होता है, कुछ टेक्निक्स होते हैं, आप उसको यूज़ करोगे आपके लाइफ में तो यस, डेफिनेटली सपोर्ट मिलेगा। एंड अगर आपको 1-to-1 सेशन लेना है तो आप मुझसे 1-to-1 सेशन ले सकते हो। ओके, सो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं गाइस। सो आपके पर्सन 9 of Wands, आपके पर्सन भी यहाँ पर बहुत परेशान है, बहुत कंफ्यूज है। ओके, यहाँ पर एनर्जी आ रही है, उनको ऐसा लग रहा है कि आई थिंक आप दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस है, या आप दोनों के बीच में यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है। बहुत सारे लोग हो सकते हैं, थर्ड पार्टीज हो सकती है, या आप दोनों को सेपरेट करने के लिए बहुत बीच में लोग हैं। ओके, इस तरह से ये पर्सन भी उसी तरह फील कर रहा है। मे बी आई थिंक ऐसे हो सकता है गाइस कि यहाँ पर जो भी आपके पर्सन है वो भी आप ही को मिरर कर रहे हैं, या आप ही को यहाँ पर आप ही को उस तरह से वो भी ऐसे फील कर रहे हैं कि ये अकेले महसूस कर रहे हैं। ये एनर्जी इसलिए आ रही है क्योंकि शायद अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो डेफिनेटली वो आपको मिरर कर रहे हैं। अगर आप अकेला महसूस कर रहे हो और आपको ऐसे लग रहा है कि इधर उधर सब टॉक्सिक लोग हैं और कोई सपोर्टिव नहीं है और ना ही कोई है, अकेला महसूस कर रहे हो, तो सेम लाइक एनर्जी यहाँ पर उस तरह आ रही है। इस पर्सन को भी यहाँ पर ऐसे हो रहा है कि मिसिंग की एनर्जी तो है, कि या एक एनजाइटी या डिप्रेशन की एनर्जी है ये पर्सन की, कि हाँ मैं किस तरह से इन लोगों को अवॉइड करूँ, और किस तरह से पहले अपने आप को फ्रीडम के तरफ लेकर जाना चाहता है ये पर्सन, अपने आप को फ्री करना चाहता है, क्योंकि ये उलझा हुआ है अपने ही सिचुएशन से। मैंने कहा ना, ये ख़त्म करना चाहता है सब, 10 of Swords, जैसे एक इसका खुद का विजडम हो, इसका खुद का अपना एक ब्रांड न्यू बिगनिंग हो। ओके, ये पर्सन ये सोच रहा है, और ये पर्सन ये सोच रहा है कि जो भी सराउंडिंग में इनके जो पीपल हैं, ओके, वो पहले ना वो जो कार्मिक पैटर्न्स होंगे या थर्ड पार्टीज होंगी, वो ना जो भी चल रहा है पहले उसमें से निकल जाओ, खुद का एक विजडम, यानी ये अपने ही इसमें बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है ये पर्सन। सो इस उलझन को वो पहले ख़त्म करना चाहता है। ओके, इस तरह की एनर्जी है। सो या मैंने कहा ना, ये खुद से जस्टिस करना चाहता है, खुद को पहले, सबसे पहले ये पर्सन खुद को न्याय देना चाहता है कि यस, मैं अपने अपने जीवन को या अपने आप को तो संवार लूँ, अपने आप को तो ठीक ठाक बना लूँ, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर चल रही है। अपने आप को जो खुद का एक अकेलापन है, खुद की एक खुद के जीवन में ही खुशियाँ नहीं है, तो हम इस पर्सन को किस तरह से खुशियाँ देंगे। ओके, इस तरह की ये पर्सन की एनर्जी। ये पर्सन खुद पहले ये जस्टिस यानी ये सक्सेस होना चाहता है अपने इसमें, किया मैं बैलेंस हूँ, मेरी इंग एंड एनर्जी बैलेंस है, मैं रेडी हूँ, अगर किसी से अगर मैं
फाइट करना है तो यस मैं रेडी हूँ, और कुछ आगे एक ब्रेक थ्रू लेना है तो यस उसके लिए भी मैं रेडी हूँ। तो ये पहले उस तरह से अपने आप को बनाना चाहता है। ओके सो ये नहीं है, सो वही सो ये जस्टिस मिलने के बाद में क्या करेंगे, ये क्या एक्शन लेंगे। ओ माय गॉड सो ब्यूटीफुल गाय, क्या एक्शन लेंगे। डेफिनेटली ये आपके तरफ आएंगे रियूनियन। ओ बहुत ही सिंपल वे से उन्होंने आंसर दे दिया आपके पर्सन ने यहाँ पर, कि यस अगर ये यहाँ पर बट यहाँ पर जो भी है कि रियूनियन तो होगा, ये रियूनियन के लिए तो आएंगे ये काम, ये क्योंकि आपसे प्यार करते हैं। सो आपके पर्सन आपसे कितना प्यार करते हैं, हम यहाँ पर अगर पूछे कि आपके पर्सन आपसे कितना प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच धर्मिट। ओके सो आपके पर्सन आपसे यहाँ पर धर्मिट का कार्ड, दैट मीन्स वो एक बहुत डीप 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 जो ट्रू है ना, जो ट्रू फीलिंग्स है उस तरह से आपसे प्यार करते हैं। यानी जब वो कहते हैं ना, ये एक आइसोलेशन का पीरियड है जैसे रहता है ना, जैसे आप अकेले रहते हो और आप जैसे अकेले रहकर जितना उस पर्सन को आप फील करते हो या उस पर्सन को आप प्यार करते हो या मिस करते हो, उतना ही ये पर्सन आपसे आपको प्यार करता है और मिस करता है। और ये हरदम वही सोचता है कि यस इस रिलेशनशिप में आप क्या सही हो जाए और किस तरह से इस रिलेशन को बनाए। ग्रेट सो नाइस सो मच ओके द हर्मिट, प्लीज क्लैरिफाई द हर्मिट। थैंक यू डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई या नाइन ऑफ सॉर्ड्स। ये पर्सन पता है, ये पर्सन रिग्रेट्स कर रहा है, या मैंने कहा ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में या सैड में ही है, क्योंकि इनको ऐसे लग रहा है कि जो वक्त जिस टाइम में आपने इनको फॉलो किया था या जिस टाइम आप अपना वक्त दे रहे थे और उस टाइम ये पर्सन ने आपको उस पर्सन ने आपको टाइम नहीं दिया, या वो पर्सन आपसे कम्युनिकेशन ठीक से नहीं कर रहा था या जो भी है। ओके आप उनको चेस करते जा रहे थे और ये पर्सन तब जाकर आपको कुछ भी ठीक है तो है, नहीं है तो नहीं है, इस तरह से। ओके बट अब उनको वो रियलाइज़ हो रहा है, हर्मिट यही है, उनको ये रियलाइज़ हो रहा है और यही दिखा रहा है। जो ये पर्सन रिग्रेट्स में जा रहा है, जो ये पर्सन एक डिप्रेशन एंजाइटी में जा रहा है, तो यही वो है कि उसको आपका प्यार रियल लव वो रियलाइज़ होने लगा है। ओके और इतना प्यार वो आपसे करने लगे हैं, इस तरह की एनर्जी है। ओके सो ब्यूटीफुल फोर ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर फोर ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन कि फोर ऑफ वॉन्ड्स क्या कहना चाहता है। थैंक यू सो मच आपके पार्टनर। फोर ऑफ कॉइंस ओ द टावर, वाह सो टेम्परेंस, मैंने कहा ना यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का है ये पर्सन। मैंने कहा ना ये पर्सन खुद को पहले, सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है। ओके ये प्रोटेक्ट यानी ये जो रियूनियन के लिए आएगा या रिकन्सिलेशन के लिए आएगा ना, तो ये पर्सन जो है ना, ये पर्सन पहले अपने फाइनेंस को भी बैलेंस करेगा, अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा कि हाँ कोई इंटरफियर ना करे। ओके और डिवाइन का उनको कम्प्लीटली प्रोटेक्शन मिले, तब ये पर्सन जाकर एक रिस्क लेगा। ओके रिस्क लेने के लिए तैयार रहेगा। टावर मूवमेंट इज़ द पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव है बिकॉज ये नेक्स्ट यहाँ पर इस तरह की एनर्जी टेम्परेंस, फिर वो क्या करेगा, यानी यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि यहाँ पर रियूनियन बहुत शांति से, अगर आपका रियूनियन या रिकन्सिलेशन जो भी आपकी बात है, जो भी है आपका स्टार्ट हो जाएगा, तब वो मल्टीटास्क कर सकेगा, यानी तब वो सभी को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकेगा, तब उसको कोई टेंशन नहीं। टेंशन अभी इस बात की है कि पहले वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर ले, पहले वो अपने आप को सेफ कर ले, पहले वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर ले। ओके और उसके बाद में ये यहाँ पर
उसके बाद में ये रिस्क लेने के लिए रेडी है, यानी उन्होंने कोई भी स्टेप लिया तो फिर दुनिया क्या कहेगी या कौन क्या कहेगा। तो बाद में अगर जब रिलेशन ठीक हो जाए तो ऑटोमेटिकली सभी बातें या सभी रिलेटिव्स या सभी चीज़ें ऑटोमेटिकली वो हैंडल कर पाएगा, उसमें वो गट्स है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, सो ब्यूटीफुल है। सो यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। एक मैसेज ले लेती हूँ आपके लिए यहाँ पर, ओके। सो एक्चुअल में यहाँ पर अहरिया इस पर्सन का यहाँ पर क्या है, सो आप अभी इनको डिस्टर्ब ना करें गाइस, ओके। मैं यहाँ पर यही कहूँगी, सी विजडम, विजडम आया है, ओके। टू फोकस ऑन द पास्ट, टू लॉस द फ्यूचर, मैंने कहा ना ये पर्सन फ्यूचर को देख रहा है, अभी फ्यूचर में आप हो, ओके, फ्यूचर में आप हो। ही एडवाइस फ्रॉम द ओल्डर पर्सन विच विल अलाउ यू टू मूव ऑन, यानी यहाँ पर क्या कर रहा है कि यहाँ पर ये पर्सन, जैसे आपने इनके बारे में, आप बिजी हो गए या आपने काम में, तो ये पर्सन को अब लग रहा है कि नहीं नहीं हम किसी हम अच्छा हमारे लाइफ का कोई एक सही पार्टनर या सही सोलमेट हम यहाँ पर छोड़ रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए, ओके। सो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है, सो यहाँ पर लेते हैं एक मैसेज। ओ माय गॉड, एक मैसेज, थ्री मैसेज आ गए। सो यहाँ पर है पर्सनल रिचेस, स्मॉल सक्सेस, ओके। ये मैसेजेस मैं आपके लिए ले रही हूँ डिवाइन की तरफ से, ओके, कि डिवाइन की तरफ से अभी क्या है, क्या आपको यहाँ पर अपने सक्सेस, अपने इम्प्रूवमेंट, अपना जो भी है उसके तरफ, फाइनेंस के तरफ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो भी ट्विस्ट एंड टर्न आएगा वो सब कुछ केयरफुली आपको करने की ज़रूरत है। ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है, सो मेजर चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं, ओके। सो मेक श्योर यू गेट लॉस्ट ऑफ रेस्ट टू कॉप विद ऑल द अनफिल। सो यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है कि जैसे आपके लाइफ में जो भी मेजर चेंजेस आ रहे हैं वो मेजर चेंजेस को पहले आप अपने हिसाब से चलाइए, यानी यहाँ पर ये पर्सन को इंटरफेयर नहीं करना है। मे बी यहाँ पर ये हो सकता है कि अगर ये ट्विन फ्लेम जर्नी में आपका जो आप कहते हो कि ट्रू सोलमेट जर्नी है आपकी, अगर ओके, सो ये पर्सन को टाइम दीजिए। यहाँ पर अवेकन की एनर्जी आ रही है, क्योंकि ये पर्सन तब तक रियलाइज नहीं करेगा ये अगर आपको मैसेज करता है या कुछ भी आपको, जस्ट हाय बाय, बस जितना वो बोल रहा है बस उतना ही बोले, एक्स्ट्रा का कुछ आप इनपुट मत डालिए कि तुमने ये किया था वो किया था, पास का कुछ भी मत बोलिए, ओके। यहाँ पर है कि ये पर्सन को एक तो पहले है कि इनको आप अभी, चाहे आप कितना भी अभी पेन में हो, कितना भी दर्द में हो, कुछ भी हो, तो या मिस कर रहे हो ये पर्सन को और आप चाह रहे हो कि नहीं नहीं मैं इनको अभी मैसेज कर देती हूँ या ऐसे वैसा करता हूँ या वो होता है, नहीं स्टॉप, अभी कुछ भी मत करिए आप यहाँ पर गाइस, कुछ भी मत करिए, ओके। री इन्वर्ट योर सेल्फ, अ ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस, एंजॉय अ न्यू लीज ऑफ लाइफ, मैंने क्या कहा, ओके। सो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, आपका भी चल रहा है, आपके पर्सन का भी चल रहा है, सो टेक अ टाइम, हील कर रहे हो आप दोनों, एक दूसरे को हील कर रहे हो, तो हील होने दो। ये एनर्जी इस तरह आ रही है कि आप जितना पेशेंस रखोगे आपके लिए उतना सही होगा, ओके। सो बेटर है कि आप इस रीडिंग को पॉजिटिव लीजिए और क्लेम इट जरूर कीजिए, सो ओके। सो गाइज मैं यहाँ पर ये रीडिंग क्लोज करती हूँ, आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, नमस्ते एंड जय हिंद।